गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशी रंजन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी मैं बाहर बैठ के पानी वगैरह पी रही हूँ और अभी अचानक से याद आया पौधे में भी पानी डालते हैं। पौधे में तो पानी डाल दिया। शूज़ देखो, इसमें मैं सोच रही हूँ एक कर्टन टाइप बना दो जिससे ये ढका हो, बट जितना छोटा शूज स्टैंड उससे ज़्यादा हमारा मतलब शूज़ है, एक पे एक ठूसा हुआ है, ऐसी हालत में है। इधर पहले कैसे दिखता था, सीमेंट सा दिखता रहता था, अब जब कलर हो गया तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता। मैं तो बालकनी बैठी हूँ और जा रही हूँ काम करने। पहले स्पीकर में कुछ गाना चलाते हैं सुबह सुबह का। ये पानी कहाँ से आ गया। और बेड वगैरह फोल्ड करेंगे फिर जाएंगे हम चाय पराठा बनाने। ये रहा बेड की हाथ लगे। और जो मैंने पहले टैब का कवर मंगवाया था ना, ब्लैक टाइप में था, ये ग्रीनिश में आ गया। मैं उसे चेंज कर दी क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा था यहाँ से कैमरा को ढक दे रहा था, इसलिए चेंज कर दी, थोड़ा ग्रीनिश में आ गया है। बट है सेम प्रिंट, शाइन कर रहा है। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक था, यहाँ पे हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन से। करने बैठी थी, कॉल आ गया। अब मुझे नीचे जाना है, दो फ्लोर जाना होता है ना, इतना ज़्यादा मतलब परेशानी होता है नीचे जाने में। और अभी काम करने बैठी हो रही यार, पता नहीं निखिल क्या ऑर्डर करता है, क्या ऑर्डर करता है, नंबर मेरा डालता है, मैं ही ऊपर नीचे करते रहती हूँ क्योंकि घर पे मैं रहती हूँ। और अभी मतलब 5 मिनट भी नहीं हुए हैं मुझे लैपटॉप लेके बैठे हुए, 5 मिनट भी नहीं, बस खोल के अभी लॉग इन ही किए और कॉल आ गया। चलो पार्सल लेकर आते हैं। इस पार्सल में क्या है भाई, इतना बड़ा सा है। चलो इसको खोल के देख ही लेते, मुझे भी समझ नहीं आ रहा इतना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है ना ये, इसके अंदर क्या है। चलो ये बोरे जैसा पार्सल है, बहुत बोरा टाइप कपड़ा है, कागज नहीं है, कागज से भी मोटा लग रहा है। मज़ा आ जाता है सुबह सुबह, देखो काम धंधा छोड़ के अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अच्छी पैकिंग है इसकी, कुछ तगड़ा सामान है क्या, क्या मंगवाया ये, सिलेंडर रखने वाला, 2, 1, 2 और 1, 3, 2 मामी का है और 1 मेरा है, ऐसे आया है सिलेंडर रखने वाला। हाँ गंदा स्मेल है, क्वालिटी दिखा देते हैं कैसा है। अगर आप ऐसा सिलेंडर रखने के लिए ढूंढ रहे हैं तो रख सकते हो। एक तो स्टील में भी आता है, वो कॉस्टली आता है, और ये सस्ता आता है भाई। तीन बहुत गंदा मारा हुआ, इस टाइप का ही। One eternity later. मैं जैसी काम करके फ्री हुई फटाफट से, मैं सोची चलो शॉर्ट्स वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि जो ममार्थ का सामान आया ना वो सारा मेरा नहीं है, लाइक मेरा तो एक या दो का, मेरे भाई का है तो अपने घर ले जाएगा, कुछ पवन का है जो ये यूज़ कर जाएगा, तो मैं सोची एक शॉर्ट्स वीडियो फटाफट से। ये मेरा सिंपल सा सेटअप जो हमेशा यूज़ करती हूँ, रिंग लाइट, ट्राईपोड, वो लैम्प। और मैं व्लॉग में भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने ममार्थ से क्या क्या मंगवाया है। फर्स्ट है विटामिन सी सनस्क्रीन बॉडी लोशन, और इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी एलोवेरा का बॉडी लोशन जिसमें था एलोवेरा, बट इसमें है विटामिन सी एंड हनी। ये बॉडी लोशन मैं इसलिए ली हूँ कि लाइक समर के लिए तो एलोवेरा बेस्ट था, बट विंटर के लिए मुझे ऐसा लगा कि हनी वाला अच्छा रहे। तो एलोवेरा वाला है वो डीपली मॉइस्चराइज नहीं करता, जिसका ऑयली स्किन है उसके लिए तो बेस्ट है, उस समय के लिए बेस्ट है, बट विंटर के लिए हमें डीपली मॉइस्चराइजर चाहिए होता है। तो मैंने लिया ये ममार्थ का बॉडी लोशन है, ठीक है। और एक है ममार्थ का स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम, ये मेरा नहीं है, मेरे भाई का है। और ये है इसकी इनर पैकेजिंग, लाइक ये भी अच्छा फेस सीरम है, जिसे कोई भी सीरम सूट नहीं कर रहा वो डेफिनेटली ये ट्राई कर सकता है। ये भी मेरे भाई का, ये C3 फेस मास्क है, तो हर एक वीडियो में आपने देखा होगा जब भी ममार्थ की शॉपिंग करती हूँ ये तो होता ही है, क्योंकि काफ़ी अच्छा फेस मास्क है फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन, तो आप डेफिनेटली इसे तो ट्राई कर ही सकते हो।
ये चारकोल फेस वॉश, ये फर्स्ट टाइम परचेज हुआ है तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। फॉर ऑयल कंट्रोल, मतलब कि ये ऑयली स्किन के लिए है। और ये है मामा अर्थ का विटामिन सी अंडर आई क्रीम विद इलेक्ट्रिक मसाजर। ठीक है, मैं दिखाती हूँ कैसे इलेक्ट्रिक मसाजर है। पैराबिन सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, नेट क्वांटिटी 20 ml है। अब बात करते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की। ये है इसकी इनर पैकेजिंग, इनर पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। और ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक मसाजर। ये देखो वाइब्रेट करता है ये, पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं, ये वाइब्रेशन है इसमें। जब आप ऊपर करोगे वाइब्रेट करता है, नीचे करोगे ये ऑफ हो जाएगा और प्रोडक्ट ऐसे करके निकलता है। और जब मैं हॉल वीडियो बना रही थी ना, मैं सोच रही इससे प्रोडक्ट बाहर आता है अंदर जाता है, मैंने वही बताया। जब मैं अप्लाई की वाइब्रेट करने लगा, मुझे इसके अंदर क्या है, फिर देखिए ओ विद, इसमें लिखा हुआ है कि विद इलेक्ट्रिक मसाजर। ये मसाजर है जो आपको आई को ऐसे ऐसे मसाज करेगा। मैं हॉल वीडियो एडिट करके डाल दी, मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे लगा ये निकालने वाला होगा, क्या करना चेक करके। जब मैं अपलोड कर दी वीडियो तो मैं सोचा चलो रात को लगा कर देखती हूँ। मैं जैसे वैसे अप डाउन कर रही थी, बट प्रोडक्ट निकल नहीं रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। जो भी रूम मैंने फैलाया है उसको 5 मिनट में क्लीन करते नहाने नहाने के बाद फटाफट से जाऊंगी ट्यूशन पढ़ाने। खाना खा लियो क्योंकि मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी। जैसे काम खत्म हुआ फटाफट से खाना खाई और जो ये सिलेंडर रख दियो, वो तो पवन मामी के घर लेके चला गया, क्योंकि मामी के घर चल रहा है लकड़ी का काम, लकड़ियों का काम। तो शाम को अगर जाऊंगी तो दिखाऊंगी। जस्ट मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा के आई हूँ, जूस लेकर आती हूँ, आते ही मैंने जूस पिया। आज गर्मी है, कल मतलब मौसम काफ़ी अच्छा था, ठंडा टाइप था, और आज गर्मी है। और मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ, मैं बचपन में करती थी जब मैं 3rd या 4th क्लास में थी, कर रही हूँ। मुझे कलर करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ दिन से ऐसा हो रहा था ना, जब मामी के घर में पेंट चल रहा था ना, तब से मेरा दिमाग कलर में घुस गया था कि मुझे भी कलर करना है, कलर करना है। क्रेयॉन्स कलर करना बहुत पसंद है, बहुत बचपन में करती थी। शायद बचपन में मैंने इतना अच्छा क्रेयॉन्स नहीं लिया होगा, और कार्टून में ही करती थी। मैं बड़ी भी हो गई थी ना, तो अपने से कार्टून में ड्रॉ करती और उसमें कलर करती थी। पता नहीं अचानक से कुछ दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे कलर करना है, कलर करना। मैं सोची ड्राइंग बुक तो नहीं ले सकती, फिर मैंने पता भी किया जिसे पढ़ाती हूँ कि मतलब ड्राइंग बुक्स मिल सकता है क्या। तो उसने बोला कि हाँ, मैं स्कूल में अपने पता करूँगा, शायद मिल जाएगा, क्योंकि 8th क्लास में तो ड्राइंग बुक होती नहीं है। मैं बोली कोई नहीं, मेरे घर में एक छोटी बहन है, उसे चाहिए। तो स्कूल का भी बहुत सिस्टम होता है कि इसके बाद ये प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर, मुझसे रहा नहीं गया। कलर खरीद कर आई हूँ, ये कलर है 165 या 75 रुपीज़ का। कलर की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। फिर मैं क्या कि प्रिंट आउट निकलवा कर ले आई। ये देखो इतने सारे मैंने प्रिंट आउट निकलवाए, और अभी मैं आ रही हूँ ट्यूशन पढ़ा के, इतना प्रिंट आउट और लेकर आई। और मैं व्लॉग में मैं शेयर नहीं, क्योंकि मैं कुछ रिलैक्स, जैसे मैं कलर लेकर आई, पेपर लेके आई, फटाफट से बैठ के कलर करने लगी। मैं सोची मुझे ना फ़ोन में शेयर करना है, ना कहीं दिखाना है, मुझे रिलैक्स होना है पहले कलर करके। और ये मैं 4 दिन से लगातार कर रही हूँ, व्लॉग में या कहीं भी मैं शेयर नहीं की। हाँ, एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैं सोची चलो अब मैं, मेरा मन ऐसा हो कि अब मेरा मन शांत हो गया, अब मैं व्लॉग में दिखा सकती हूँ। कार्टून में ही कलर करना था, एक तो मैं ये कर रही हूँ, रात रात में जग के करती हूँ मैं। और देखो कितने क्यूट क्यूट से मैंने प्रिंट निकलवाए हैं, ये देखो ये किया मैंने। ये मेरा फर्स्ट डे ये किया, मतलब फर्स्ट डे ये और ये की थी रात में जग के, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं ट्यूशन पढ़ा के आती हूँ तब मैं ये कलर करती हूँ, ठीक है ये। और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मैंने प्रिंट्स निकलवा के लाए हैं, दिखाती हूँ एक मिनट। इसमें देखोगे ना बिल्कुल शौक हो जाओगी, ये देखो ये, और कैसा कलर करना है इसमें वो भी है। मतलब ऐसे बच्चे करते हैं, नर्सरी केजी के बच्चे। और देखो कार्टून देखो मेरा, सब कुछ ऐसा ही है। और जब मैं कलर करती हूँ उसके बाद मेरा दिमाग इतना शांत होता है, क्यों फालतू चीज़ों में दिमाग लगाना। अभी देखो मैं ट्यूशन पढ़ा के आई हूँ, गर्मी भी लग रहा है, अभी बैठ के 1/2 hour 1 hour कलर करूँगी। इतना अच्छा फील होता है, इतना रिलैक्सिंग फील होता है, मैं क्या बताऊँ। और मतलब बहुत बनाती थी मैं, मतलब 3rd 4th जब मैं गढ़वा रहती थी ना, मेरे पास एक ड्राइंग बुक था, उस पर सिर्फ ये और सिर्फ कार्टून, कोई ऐसा नहीं। मुझे बहुत अच्छा पिक्चर बनाना आता है बिल्कुल नहीं, डोरेमोन, मिक्की माउस, छोटा भीम, यही सब होता था मेरा ड्राइंग में। आज भी सेम है, कितना क्यूट लग
लग रहा है। ओ भाई बस एक चीज और कमी है, डांस क्लास। बस डांस क्लास मिल जाए फिर टंग टंग टंग। घर से आ गई, आते ही देखो अब इसे कलर कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट की हूँ और एक हाफ रहता था उसे कलर करके रख दी थी उसी समय। अब इसे बहुत कलरफुल करूँगी, बिल्कुल लाल पीला कर दूंगी। ये देखो प्यारी सी फिश, ऑरेंज एंड पिंक। खाना गर्म के थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा था कि पानी कम था और बिल्कुल सूखा सूखा सब्जी था, इसमें थोड़ा सा पानी डाली हूँ और इधर फ्राई कर रही हूँ चावल। ये है हमारा किचन। मैं एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर ली, बाहर बैठ के एडिटिंग कर रही थी और ऐसे सुबह गर्मी गर्मी सा लग रहा था बट शाम को काफ़ी प्यारा मौसम हो गया था, तो एडिटिंग वगैरह कर ली। अब मेरा रात को रूटीन होता है एडिटिंग करो, मोटर चलाओ क्योंकि पानी आ जाता है 11 बजे तक, मोटर ऑन कर देती हूँ। 11 बजे चलाऊँगी, 11:10 या 11:15 तक पानी भर जाएगा। अभी ये देखो ऊपर भी लाइट जल रही और मैं जा रही हूँ अपना ब्रश करने। यहाँ इसे भी अच्छे से क्लीन कर दे, कितना गंदा था ये देखो, बिल्कुल क्लीन हो गया। मिरर भी क्लीन है और मेरे पौधे सो रहे हैं, सबको गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट गुड नाइट। बेचारे थोड़े थोड़े से मुरझा जाते हैं बीच में, ये भी डंडा मुरझा गया है तो इसको अंदर डाल दी। अभी ब्रश वगैरह करूँगी उसके बाद सो जाऊँगी। तो आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।